बांदे उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत, जो 24 घंटे आपकी खिदमत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब है। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपए से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपए से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में फारूक नगर टीपू सुल्तान चौक में नौजवानों ने महिला की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर आज फारूक नगर टीपू सुल्तान चौक में नौजवान महल्ले की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नौजवान महल्ले ने लोगों से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। टीपू सुल्तान चौक में नौजवान महल्ले में शामिल है शेख सलीम, शेख बाबू उर्फ चालू, अब्दुल माजिद, मोहम्मद मखदूम, सैयद मोहसिन सुनार, मोहम्मद इमरान व दीगर नौजवान ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लोगों में बूंदी और बिस्किट के पाकिट तकसीम किए। शेख सलीम उर्फ चालू और मोहसिन सुनार ने इस ब्लड डोनेशन कैंप लेने के गर्ज वगैरह बयान करते हुए कहा कि अक्सर लोगों हादसात के शिकार बनकर खून की तलाश में दर बदर भटकते हैं। इनकी मुश्किलात को देखते हुए फारूक नगर में इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 70 से ज़्यादा लोगों ने अपने खून के आतिया पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पर यहाँ पर एक प्रोग्राम याद किया गया था, जिस पर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बूढ़ का आगमन हुआ और उसकी दिन काटी गई। ये अल्लाह वालों थे, अल्लाह वालों के नाम पे चौरस्ते का नाम रखा गया, जो 2002 में रखा गया था। उसकी नियुक्तिकरण पार्टी की हुई है। शेख सलीम उर्फ चालू, मोहम्मद मखदूम, मोहम्मद इमरान, मोहसिन भाई सुनार, बब्बू और हमारे अशफाक भाई, हर सभी भाइयों का इसमें साथ था। अल्लाह ने हमें वो कामयाब कर दिया। हर सभी लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे ही अल्लाह वालों के नाम पर चौरस्ते के नाम अपने बच्चों के नाम रखें। तमाम आवाम को जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम ईमान वालों को ईद मुबारक, मिलादुल नबी की मुबारकबाद देता हूँ। सबको अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाइयों को TSR ग्रुप से ईद मिलादुल नबी की शुभकामनाएं। आज सरकार वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के आमद के दिन के ऊपर शेर टीपू सुल्तान इनके पार्टी का उद्घाटन करें और सब गली के बच्चे मिल के ये करके सब गली को सजाए बोला, और सजाने के बाद एक रक्तदान भव्य रक्तदान शिविर रखे बोला। उसके ऊपर मोहम्मद मखदूम, मैं, अलीम, अशफाक भाई, मोहसिन सुनार, बब्बू, सब लोगों ने मिल के इसके अंदर, मोहम्मद इमरान, सब लोगों ने मिल के इसके अंदर सहभाग लिया। ये प्रोग्राम पहली बार रखेगा, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं अगले प्रोग्राम? ये कार्यक्रम हमने पहली बार लिए बोला। टीपू सुल्तान चौक तो जो पहले से था उसका नियुक्तिकरण करके नवा बोर्ड बना के डाले बोला, और आने वाले साल इस तरीके जब भी रहेगा तो आने वाले साल ईद मिलादुल नबी धूमधाम से मनाएंगे बोला। मेरे तरफ से पूरे आवाम को ईद मिलादुल नबी की, जश्न ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन के मौके पर आज ये एरिया को पूरा सजाया गया और यहाँ पर टीपू सुल्तान हजरत रहमतुल्लाह अलैह की एक पार्टी को नियुक्तिकरण कर यहाँ पर नवी पार्टी बिठाई गई, और यहाँ पर कई नौजवान बच्चों ने मिलकर यहाँ सलीम भाई उर्फ चालू और इमरान भाई और मखदूम भाई और हमारे अलीम भाई और तकरीबन पूरे नौजवान कमेटी ने मिलकर यहाँ पर रक्तदान शिविर रखा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर 100 के ऊपर में वो हो जाएंगे, और इंशाल्लाह यहाँ पर बूंदी का वाटप रखे और यहाँ पर बिस्किट का वाटप रखे, कई लोगों के खुशियों का वातावरण है। इंशाल्लाह हम पूरे आवाम को और पूरे इंडिया को इसी तरीके से खुशहाल देखना चाहते हैं, और तमाम हिंदू भाइयों को भी मैं हमारे हुजूर के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, और पूरे नांदेड़ वासियों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरीके से आज ये माहौल है, इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से माहौल हम देखना चाहते हैं, और इस्लाम का ये मौका है, और हमारे हुजूर ने जो कहा है कि हर जगह आवाम को इस्लाम के तरफ से अमन व शांति बांटे,
اسی طریقے سے امن اور شانتی رہے. انشاءاللہ یہ فاروق نگر ہی نہیں جبکہ پورا ناندیڑ اور پورا شہر اور پورا ہندوستان اسی طریقے سے حضور کے نام پر آج جس طریقے سے ہے انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے امن و سکون چاہتے ہیں. اور اسلام کا ایک فنڈا بھی ہے کہ ہر جگہ امن و ایمان پھیلا. ایمان صرف دہشت گرد لوگ جو چاہتے ہیں، انشاءاللہ اسلام پورا ایک جگہ آ کر امن پھیلانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ.